हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज के अपने इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक कैमरा कंपैरिजन, जो कि होगा रेडमी नोट 8 प्रो और पोको F1 के बीच में। तो यहाँ पे ये दोनों डिवाइसेस कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे नोट 8 प्रो डिवाइस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और पोको F1 डिवाइस में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, लेकिन पोको F1 में गूगल कैमरा का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी कमाल की इमेज कैप्चर कर सकता है। लेकिन वहीं पर नोट 8 प्रो डिवाइस, क्योंकि मीडियाटेक हेलियो G90T चिपसेट पर चलता है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको गूगल कैमरा का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी आप रिजल्ट्स चेक करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी। यहाँ पे ये वीडियो बेसिकली एक इमेज कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे वीडियो कंपैरिजन में बहुत जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों डिवाइस में आप 960fps, 120fps, 240fps में स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं, साथ में वीडियोज भी अलग अलग मोड्स में कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो का अलग से एक कंपैरिजन बनाऊंगा, एक डिटेल्ड कंपैरिजन बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आपको नोट 8 प्रो डिवाइस में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है, तो अल्ट्रा वाइड सेंसर का यूज करके आप जाहिर सी बात है अल्ट्रा वाइड इमेज कैप्चर कर सकते हैं, और साथ में एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस दिया गया है, तो इसका भी एडवांटेज है, आपको क्लोजअप शॉट कैप्चर करने में काफी हेल्प होगी, काफी बढ़िया शार्प और डिटेल्ड मैक्रो शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसे हम नॉर्मली कंपेयर करेंगे कि 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि नोट 8 प्रो डिवाइस में जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो नॉर्मली जब इमेज कैप्चर करता है तो 16 मेगापिक्सल की ही कैप्चर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैमरा कंपेरिजन। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने ये दोनों इमेज कैप्चर करी है डे लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डिफरेंस नहीं है दोनों ही इमेज में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कलर कॉन्ट्रास्ट का। नोट 8 प्रो की इमेज आपको थोड़ा बेटर लग सकती है। अब ये वाली इमेज भी मैंने डे लाइटिंग कंडीशन में कैप्चर करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी नोट 8 प्रो डिवाइस में, लेकिन यहाँ पे शेडोज के अंदर डिटेल्स आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगी पोको F1 डिवाइस में। बाकी यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट, कलर टेम्परेचर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्काई आपको पोको F1 डिवाइस में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। अब ये वाली इमेज मैंने कैप्चर करी है आर्टिफिशियल लाइटिंग में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको F1 की इमेज थोड़ा सा डल दिख रही है, कलर्स थोड़ा सा फेडेड दिख रहे हैं, लेकिन नोट 8 प्रो में आपको थोड़ा कलर्स पंची दिखते हैं, थोड़ा सैचुरेटेड है, लेकिन ओवरऑल आपकी आंखों को अच्छा लग सकता है। बट यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस क्रॉप करता है इमेजेस को पोर्ट्रेट मोड में। ये वाली इमेज भी मैंने पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर करी है डे लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको F1 की इमेज थोड़ा सा बेटर लग रही है अगर बात करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की और डिटेल्स की, लेकिन यहाँ पे नोट 8 प्रो में आपको थोड़ा सा ब्राइट इमेज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस इमेज को आप गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने पोको F1 में यूज किया है गूगल कैमरा, तो देख सकते हैं गूगल कैमरा थोड़ा क्रॉप तो कर रहा है, लेकिन डिटेल्स और कलर्स काफी कमाल तरीके से मैनेज किए हैं गूगल कैमरा ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं शर्ट के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी पोको F1 की इमेज में, जो कि मैंने गूगल कैमरा का यूज करके कैप्चर करी है। अब ये वाला शॉट मैंने कैप्चर करा है दोनों डिवाइसेस के स्टॉक कैमरा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F1 की इमेज थोड़ा सा सैचुरेटेड दिख रही है, लेकिन स्काई आपको थोड़ा बेटर दिख जाएगा। वहीं पे नोट 8 प्रो डिवाइस में आपको थोड़ा बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये इमेज कैप्चर करी है दोनों डिवाइसेस में HDR को ऑन करके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही एक तरह से सेम इमेज कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं नोट 8 प्रो डिवाइस में। अब ये वाली इमेज मैंने पोको F1 में कैप्चर करी है गूगल कैमरा का यूज करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F1 की इमेज में थोड़ा ब्राइटनेस कम है, लेकिन ओवरऑल आपको जो टाइल्स का कलर है वो सब जो डिटेल्स दिख रही हैं वो काफी कमाल की हैं। स्काई भी आपको थोड़ा बेटर दिख जाएगा पोको F1 में गूगल कैमरा का यूज करके। बट हाँ, यहाँ पे नोट 8 प्रो की इमेज भी काफी कमाल की है। ये दोनों इमेज स्टॉक कैमरा से कैप्चर करी है दोनों डिवाइसेस में, और दोनों में ही आपको काफी कमाल की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत कलर टेम्परेचर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब क्योंकि नोट 8 प्रो डिवाइस में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, तो वहाँ पे आप जब 64 मेगापिक्सल कैमरा को यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में दोनों डिवाइस से पोर्ट्रेट मोड में इमेज कैप्चर करी है फ्रंट कैमरा का यूज़ करके। देख सकते हैं कि नोट 8 प्रो में आपको थोड़ा बेटर डिटेल्ड इमेज मिल जाएगी, थोड़ा एक्सपोजर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बैकग्राउंड का मैनेज किया गया है। वहीं पे पोको F1 में आपको थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही हम पोको F1 में गूगल कैमरा का यूज़ करते हैं तो पोको F1 की इमेज बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पोको F1 में गूगल कैमरा का यूज़ करके जो इमेज कैप्चर करी है उसमें थोड़ा सा एज डिटेक्शन का इशू है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल इमेज काफ़ी शार्प है, काफ़ी डिटेल्ड है। अब ये भी आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में नॉर्मल इमेज कैप्चर करी है, देख सकते हैं कि नोट 8 प्रो की इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है। अब यहाँ पे मैंने गूगल कैमरा यूज़ किया है पोको F1 में, तो इसलिए पोको F1 में आपको थोड़ा बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी,
लेकिन यहाँ पे भी नोट 8 प्रो की इमेज आपको थोड़ा बेटर लग सकती है क्योंकि स्किन टोन यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो की थोड़ा बेटर है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे बैकग्राउंड के ऊपर तो बैकग्राउंड में नोट 8 प्रो में थोड़ी बहुत चीज़ें ओवर एक्सपोज हो गई हैं। वहीं पे ओप्पो F1 में गूगल कैमरा काफ़ी कमाल तरीके से बैकग्राउंड को भी मैनेज कर रहा है और ओवरऑल एक बढ़िया इमेज कैप्चर करके दे रहा है। अब ये वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही कैमरा काफ़ी कमाल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन डिटेल्स आपको नोट 8 प्रो की इमेज में ज़्यादा बेटर मिल जाएंगी। लेकिन अगेन जैसे ही हम गूगल कैमरा यूज़ करते हैं पोको F1 में तब आप देख सकते हैं कि डिटेल्स और ओवरऑल एक काफ़ी कमाल की इमेज आपको मिल जाएगी पोको F1 में। इन दोनों डिवाइसेस का कैमरा लो लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा स्ट्रगल करता है, देख सकते हैं दोनों में ही आपको सॉफ्ट इमेजेस मिल जाएंगी लो लाइटिंग कंडीशंस में। और जब हम इन दोनों डिवाइसेस में स्क्रीन फ्लैश का यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं कि Redmi Note 8 Pro डिवाइस में आपको थोड़ा सा रेडिश टोन मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे Poco F1 में आपको थोड़ा वार्मर कलर्स देखने को मिल जाएंगे। बट ओवरऑल दोनों इमेजेस सिमिलर हैं डिटेल्स के मामले में। अब इन दोनों इमेजेस में आप बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। पर्सनली बताऊं तो मुझे Note 8 Pro की इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं Poco F1 में गूगल कैमरा का यूज़ करता हूँ तो मुझे Poco F1 की इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शर्ट के अंदर जो टेक्सचर है, जो कलर्स हैं, वो कहीं से भी ओवर एक्सपोज नहीं हुए हैं। ओवरऑल सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं अगर नाइट साइड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Note 8 Pro थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, Poco F1 में थोड़ा सा आपको ज़्यादा नॉइज देखने को मिल जाएगा। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है लो लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही डिवाइसेस के स्टॉक कैमरा से। देख सकते हैं Note 8 Pro की इमेज थोड़ा क्रिस्प है, थोड़ा डिटेल्ड है, Poco F1 थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है। ये वाली कैप्चर करी है दोनों ही डिवाइसेस के नाइट मोड को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि Note 8 Pro ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इमेज मैंने कैप्चर करी है Poco F1 में गूगल कैमरा का यूज़ करके। अब यहाँ पे Poco F1 काफ़ी कमाल तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, शेडोज़, हाइलाइट्स, सब कुछ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन मिलेगा। तो वैसे वीडियो देख लिया आपने कंपेरिजन देख लिया, आपने कैमरा सैंपल्स देख लिया, अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको किसकी क्वालिटी बेटर लगी। पर्सनली मुझे तो यार गूगल कैमरा की इमेज ज़्यादा बेटर लगती है हमेशा, क्योंकि यार उसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग काफ़ी कमाल की है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि Note 8 Pro ने भी काफ़ी कमाल का काम किया है, काफ़ी कमाल की इमेज कैप्चर कर रहा है डिफॉल्ट कैमरा से। तो अगर Note 8 Pro में कभी गूगल कैमरा का सपोर्ट आता है तो यार काफ़ी कमाल की बात हो जाएगी, क्योंकि कैमरा काफ़ी कैपेबल है। ओवरऑल मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि Xiaomi ने काफ़ी कमाल का काम किया है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के ऊपर Note 8 Pro डिवाइस के लिए। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किसकी इमेजेस ज़्यादा बेटर लगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।